आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन। देखें, इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप चैप्टर सिक्स जिस तरह समझ रही है ना, साथ साथ इसको करना जरूर, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे। देखें, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, फिफ्थ टर्म अगर मैं देखें, मैं थोड़ा एलेबोरेट ज्यादा करूंगा, फिफ्थ टर्म, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिफ्थ टर्म आप कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली ऑफकोर्स हमने A5 लिखी, ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखें, पहले ही मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में A5 जो है वो बच्चे आपके पास क्या है, गिवन, इसका मतलब होता है इक्वल, आपको क्या गिवन है बेटा, 16, ये आपने लिखा। दूसरी बात, आपको क्या गिवन है, एंड 20th टर्म यानी A20 की बात कर रहा है, इसका मतलब इक्वल आपको 46 गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, A12 फाइंड करना, A12 फाइंड करना, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो देखें, मैं अगर बात करूं, मैं फार्मूला लिखूं इधर ही साइड पे, तो मेरे पास फार्मूला ये है, An इज इक्वल टू A1 + N - 1 n2d। अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो A12 दिया हुआ है, तो A12 का मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या है, मैं इधर लिख देता हूं, एन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 12। ठीक अब हमें A1 चाहिए और D चाहिए, ये हमें A1 भी चाहिए और D भी चाहिए। अब A1 और D हमें दो अननोन है, तो हमें दो एक्सप्रेशन दिए हुए, ये देखें दो अननोन है ना आपके पास, ये देखें आपके पास बच्चे दो अननोन है, तो ये देखें दो एक्सप्रेशन दिए, इसका मतलब है A1 और D की वैल्यू आपने इस एक्सप्रेशन से ही निकाली। अब देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखें A12 को अगर बाय फार्मूला मैंने एक्सपेंड करना हो तो, या A5 को बाय फार्मूला एक्सपेंड करना हो तो कैसे एक्सपेंड करूंगा, ये देखें, अगर इधर मैं एन की वैल्यू 5 लिखूं, A5 को लिखूंगा तो बाय फार्मूला A1 + 4d लिख सकता हूं बच्चे। यस इसी तरह अगर मैं A20 की बात करूं तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, A1 + सर, +19d 19d। हम हमेशा इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें यही काम करेंगे कि आपके पास सबसे पहले यही फिफ्थ है, तो फिफ्थ बस आपने ये देख लेना है कि टोटल में से आपने प्रूव किया, तो आपको पता है अगर 5 टर्म्स हैं तो उससे डी के साथ एक नंबर कम आता है, तो इसलिए हम इसको A5 को भी इसी तरह एक्सपैंड करेंगे। A5 की मैं बात कर रहा हूँ, इसको अगर हम एक्सपैंड करें, क्योंकि आपको पता है फार्मूला ये एक्सपैंड ही हो रहा है ना, तो इसको भी एक्सपैंड करेंगे और इसको भी अगर एक्सपैंड करेंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास बन जाएगा A1 + 4d = 16 आ गया, और इसी तरह A1 + 19d = आपके पास क्या आ गया बेटा, 46 आ गया, ऐसे ही है ना बच्चे। अब देखिए, हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको हमने सॉल्व करना है, आप मुझे बताएं इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन दी हो कैसे सॉल्व कर सकते सर। ये A1 और A1 जो है, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो हैं। जाएंगे। बिल्कुल, अब देखें ये अगर मैं बात कर रहा हूं ना आपके कंसेप्ट्स की, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, तो देखें ये इस तरह की एक इक्वेशन है, x + 4y = 16, अगर मैं उनकी जगह रिप्लेस कर दूं तो x + 19y = 46, तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के लिए आपने 9th में पढ़े थे आपके पास, जिस तरह आप देखें इससे पहले 8th में पढ़े थे, जिस तरह आप कह रही हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो क्रैमर रूल लगाएं, चाहे तो आप इन्वर्जन मैथड लगाएं, आप कोई भी मैथड लगाएं तो लगा सकती हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए बेटर ये है कि A1 दोनों सेम है, तो हम इनको इलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे, यानी जिस तरह आप कह रही हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये 2 - 1 ये कर लें, समझ गए बच्चे, कि आपके पास A1 + 4d = 16 आ गया, A1 + 19d = आपके पास क्या आ जाएगा, 46, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर दिए बेटा, आपके पास ये A1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -15d
इज इक्वल टू माइनस 30। अब डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2, क्योंकि माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा और 15 वन जार और 15 टू जार, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। जब एक वैल्यू आ जाती थी उसके बाद दूसरी कैसे निकालते थे बेटा? सर उसको इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। बिल्कुल, आप किसी में भी पुट कर दे, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप आपके पास क्या आ जाएगा, ए 1 प्लस 4 इनटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। तो अब आपके पास ए 1 इज इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या फाइंड करना था, ए 12 फाइंड करना था। तो आप देखें ए 12 का अगर मैं फार्मूला लिखूं तो हमारे पास क्या है, ए 1 प्लस 11 डी, ए 1 आपके पास क्या है बेटा 8 है, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8 प्लस 22, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो ए 12 आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 30 है। वैसे आप अगर जिस तरह आप पेपर में फ्री बैठे हो तो आपको पता है ए 13 क्या आएगा, आप बता सकती हैं वैसे? सर ये 33 प्लस 8 होगा तो 41 होगा। ए 13 33 कैसे हो गया? डी क्या है आपके पास, 2 है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 2 ऐड करेंगे, ए 13 32 होगा। ए 14 क्या होगा बेटा? ओ यस सर, कॉमन डिफरेंस 2 है, समझ गए? हाँ, इसी तरह आप अगर 20 तक जाएंगे तो देखना आपको एग्जैक्टली 46 ही मिलेगा। समझ गए कि आप नहीं, यानी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। समझ गए बच्चे? और एक और बात, एक और बात देखें, जब आप एन देख रहे हैं तो एन में हमेशा एन की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होता है, होल नंबर होता है, सॉरी नेचुरल नंबर। ये देखें आपके पास ये नेचुरल नंबर है, एन की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आएगी तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस नहीं होगा। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर।